वेलकम टू सैन अकाडमी पल्लिकरणी क्लास सिक्स सब्जेक्ट एल टू हिंदी ग्रामर चैप्टर नाइन संज्ञा 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 यानी नाउन। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने वाली हूँ। संज्ञा की परिभाषा, किसी जाति भाव व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जातिवाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली स्थानवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद तीन भेद मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के दो उपभेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऋग्वेद और निश्चित स्थान दिल्ली। व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा, किसी भी प्राणी जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाला संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, रानी किताब पढ़ रही है, इसमें किताब। बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे। आज हम फल खाएंगे, फल। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसका माप तोल भी किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों, सोना चांदी मिट्टी लोहा तांबा लकड़ी दूध पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, कक्षा परिवार सेना जनता अस्पताल और मंदिर। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे, इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष दशा अवस्था धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण, रसीला बचपन वीरता दया आदि। कुछ शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा को बनाना सिखाने वाली हूँ। जातिवाचक संज्ञा से बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, वीर वीरता, शिशु शैशव, नारी नारित्व, विशेषण से मित्र मित्रता, मीठा मीठास, बोला बोलापन, सफेद सफेदी, सर्वनाम से मनुष्य मनुष्यता, अपना अपनत्व, सर्व सर्वस्व, निज निजस्व, क्रिया से सुनना सुनाई, कमाना कमाई, हंसना हंसी, लिखना लिखावट या लिखाई। अब मुझे यकीन है कि आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। धन्यवाद बच्चों।